जो लड़का लड़का बतिया रहा है तो उसमें क्या ही समझूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आर्टिकल 377 है इंडिया में, ठीक है। अब इधर चल रहा है समझा रहा हूँ, उधर अलग चीज चल रही है भाई, क्या ही बोला जाए, ठीक चलो छोड़ो मत बोले। इसी टाइम पे एक और इंसान होता है, ठीक, वो भी खतरनाक होता है, उसका नाम होता है विष्णुगुप्त। तो इनको लेके आए हम स्क्रीन पे, विष्णुगुप्त के फादर का नाम होता है, इनके फादर का नाम होता है चाणक्य। देखो कहानी तुमको जो नहीं पता है, चाणक्य जो है वो धर्मनंद के कोर्ट में काम किया करते, मतलब पहले महापद नंद की कोर्ट में काम किया करते थे एज एन एडवाइजर, और उसके बाद फिर धर्मनंद के कोर्ट में। चाणक्य और धर्मनंद की बनी नहीं, तो इसने क्या किया, चाणक्य को निकाल दिया बेइज्जत करके, ठीक है। विष्णुगुप्त जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, उन्होंने किसमें एस्ट्रोलॉजी पॉलिटिकल और इकोनॉमी, ठीक, इन सब में उन्होंने महारत हासिल की हुई थी। और विष्णुगुप्त और चाणक्य दे बिलोंग टू वन गोत्र, और गोत्र का नाम था कुटिला, ठीक है। सो ही वाज़ अ सन ऑफ चाणक्य, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज चाणक्य, ठीक। और ये कुटिला गोत्र से थे, इसलिए इनको बोला जाता है कौटिल्य, ठीक, और नाम विष्णुगुप्त था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों नाम जो है यहाँ पे वाई ए जोड़ देंगे तो चाणक्य हो जाएगा, और ये कुटिला, ठीक है। अब यहां से ये धनानंद से कैसे मिलते हैं, ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर कि भाई चाणक्य को उसने क्या किया है, बेइज्जत करके निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो विष्णुगुप्त हैं, ही वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि आई हैव टू टेक रिवेंज ऑफ माय फादर, ठीक, तो रिवेंज लेना था। तो ही ऑल्सो वेंट, सबसे पहले देखिए कहां जाते हैं कि धनानंद के कोर्ट में, और ये पहले हुआ करता था कि बहुत सारे डिस्कशंस हुआ करते थे, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर्स आते थे, वो डिस्कशन करते थे, डिस्कशंस में जो पब्लिक है वो डिस्कशन सुनती थी, तो पब्लिक का जो नॉलेज है वो इनहांस होता था, ठीक है, एज वेल एज जो आपके मंत्री वंत्री हैं उनके, कभी भी आईपी होता ना कि लेक्चर वो किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह में, कि कोई आ रहा है स्पेशलिस्ट वो क्या करेगा, लेक्चर देगा किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो ऐसे डिस्कशन होते रहते थे। विष्णुगुप्त तक्षशिला वाले रीजन में, आपके जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहां ही यूज टू लिव, ठीक है। इन्होंने सुना कि भाई धनानंद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, और उसके दरबार में बहुत सारी चीजें हैं, तो दो ही वॉज अंडर दिस इंप्रेशन ऑफ रिवेंज, बोले रिवेंज तो तब ले पाएंगे ना, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लेवर पर्सन, बोले जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए ही जाते हैं, और डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए क्यों जाते हैं, बिकॉज देखो आपके पास ज्ञान कितना ही हो लेकिन इफ यू डोंट हैव इकोनॉमी तो लोग आपको पूछेंगे नहीं, ठीक। इकोनॉमी जो है आपके पास सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए, नॉलेज इकोनॉमी एंड स्टेटस, ठीक, तीनों जब होगा तो सोसाइटी में आपका जो वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। बट विष्णुगुप्त के पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा था, उनकी रिस्पेक्ट वहां उस रीजन में बहुत ज्यादा थी, बट इकोनॉमी के नाम पे इनके घर में ढेला था, ठीक है, इकोनॉमी वाज जीरो, ठीक। और इनकी जो भाई था ये बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते थे, ठीक है, लंबी हाइट टकला सा इंसान, ठीक है, ये बता रहा हूँ क्योंकि नेसेसरी है, ठीक। तो इनको आप आज के उसमें आप उस कैटेगरी में रह सकते हो कि ये बहुत ही कैसा है कि अब कैसे बोले कुरूप की जो कैटेगरी होती है उस तरीके से कि भाई लंबा थोड़ा इंसान है, ठीक है, एकदम दुबला पतला सा, ठीक, पूरा टकला हो रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो शेड है आपका वो क्या है, हल्का ब्लैक शेड है। तो ये बताना इसलिए जरूर क्योंकि इसकी वाइफ जो है 2 साल हो गया 3 साल हो गया कह रहे कोई भी उपहार नहीं दिया तुमने मुझे, 3 साल बीत गए शादी को, ठीक, मतलब 3 साल हो गए एक भी गिफ्ट नहीं दिया अभी तक, बताओ ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसने कहा भाई वो कैसे कहता कि मेरी इकोनॉमी जो है वो मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं जाके कोई उपहार लेके आऊं। उसने कहा ये ठीक है, अभी एक डिस्कशन होने वाला है, मैं अभी मगध जाने वाला हूँ, ठीक है, मगध जाऊंगा तो जब वहां से लौट के आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए उपहार जरूर लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसने समझा कि ठीक है जरूरी भी है, ठीक, कि भाई वो इतनी भोली इतना काम करती है, ठीक, अगर उपहार मांग रही है तो क्या दिक्कत है, ले आओ पत्नी ही तो है।
तो वो उसको समझा के जाता है कि मगध जा रहा हूँ, वहां से लौटते वक्त लेके आऊंगा, ठीक। तो वो भी खुश ठीक है, और कौटिल्य को भी अच्छा लगा कि भाई जब से ये 3-4 दिन से ये गुस्सा गुस्सा करे, खाना पीना नहीं ले रही है, तो अब खुश है। मगध जब जाता है डिस्कशन के लिए तो ऑब्वियसली वो अपने ऑरा में रहेगा, अपनी पर्सनालिटी में रहेगा कि भाई मैं तो ज्ञानी इंसान हूं। ये जाके जहां राजा बैठता है उसके जस्ट नीचे पहली सीट पे बैठ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोचा था कि लोग मेरे को देखे, मैं जितना पास होऊंगा क्योंकि मेरा डिस्कशन अच्छा होगा तो राजा जो है वो मेरे को ज्यादा अच्छे से देखेगा, तो हो सकता है जॉब भी ऑफर कर दे, और दूसरा चीज उपहार भी मिलेगा, ठीक। तो ये बैठ गया, जब बैठा धनानंद आया, तो जब धनानंद आया तो ऑब्वियसली आपकी पुरानी मेमोरीज जो है वो स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। और धनानंद आते ही क्योंकि ये कहा होना डिस्कशन, बोलो डिस्कशन वगैरह बाद में होगा, ठीक है, पहले नृत्य प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। दासियों प्याला लाओ, ठीक है। प्याला लाया जाता है, उसमें मदिरा भरी जाती है और बोला जाता है नृत्य प्रस्तुत करिए। और डिस्कशन करने कौन आए हैं? विद्वान लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनको ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। और वहां नृत्य चल रहा है, जो धनानंद है वो बढ़िया एंजॉय कर रहा है, और वो जो ब्राह्मण लोग हैं, वो जो ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए तो वो मतलब है ही नहीं। उसमें से जो पाखंडी हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। लेकिन बाकी लोग क्या हैं? बेचारे आंख मूंद रहे हैं, हे प्रभु क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको गुस्सा आ जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य खड़ा होकर बोलता है ये तो ब्राह्मणों का अपमान है, ठीक। जैसे उसने बोला तेजी से तो जो नृत्यिकाएं थी वो रुक जाती हैं। धनन बोलता है मतलब लिटरली, मतलब हो सके उनका लैंग्वेज अलग होगा, बट लिटरली धनानंद यही बोलता है ये कौन है, ठीक है, फेंको इसको बाहर। लेकिन यही बोला जाता है कि ये कौन है, इसको बाहर फेंक दो, क्योंकि उसने डिस्टर्ब कर दिया किसको, धनानंद भाई राजा है, वो मामूली चीज थोड़े है, तुम उसके दरबार में खड़ोगे कुछ भी बोल दोगे और वो सह लेगा, ठीक। तो विष्णुगुप्त फिर जो है वो सारा वो थोड़ा थमता है कि तो गड़बड़ हो गया मामला, ठीक। अब वो उपहार वो सब एकदम से फ्लैशबैक आता है उसके, तो वो थोड़ा शांत होता है, बोले कि ये डिस्कशन होना है यहाँ पे इस महफिल में, ठीक है। तो ये महफिल जम रही है, यहाँ पे प्याले खनकाए जा रहे हैं, यहाँ तो क्या है वार्तालाप होनी थी ना, ज्ञान का आदान और प्रदान होना था। धर्मन बोलता है कि यहाँ राजा कौन है, मैं जब बोलूंगा तब होगा, ठीक। पहले तुमको अगर मंजूर है तो बैठ के नृत्य देखो, नहीं तो तुमको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उसने कौटिल्य भाई बीइंग वो पर्सन कि भाई मैं ज्ञानी इंसान हूं, मेरी बात सुनी नहीं रहा, तो उसने एक दो लोगों का साथ लेने की कोशिश करी, लोगों ने साथ दिया नहीं, वो अकेला। तो उसके बाद क्या होता है कि सैनिकों को बुलाया जाता है, बोले इसको क्या करो, फेंक दो यहां से बाहर, ठीक है। अब लिटरली वो जा नहीं रहा है क्योंकि उसको पार्ट लेना है उसमें, ठीक है। उसके पीछे बैक ऑफ माइंड चल रहा है कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको यहां से कुछ चाहिए, खाली यहां जाएगा तो फिर सुनेगा, ठीक है। तो यहां से उसको घसीट के बाहर किया जाता है भरी दरबार में, एंड ऑल द पीपल आर लाफिंग, सब हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिसग्रेस था किसके लिए, आपके कौटिल्य के लिए, ठीक है। तो कौटिल्य जो है बाल थोड़े रखे हुए, उसके बाद वो कहते हैं, वहीं से खड़े होकर कहते हैं कि देखिए डायलॉग जो है कि एक ब्राह्मण या फिर एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, ठीक है। प्रकृति और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं, ठीक। प्रधानंद तुम्हारी प्रलय आएगी देख लेना, तो ठीक। वहीं पे वो चैलेंज करके चला जाता है, अंधानंद बोलता है ऐसे आते जाते हैं चल, भाई वो राजा है उसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, कौन बोलता है इकोनॉमी है आर्मी है, ठीक। एक दिन जब वो मर गया, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक। ऐसा धनानंद को लगता है, ठीक। अब ये बेचारा परेशान हैरान परेशान रोते गाते पहुंच रहा है कहीं, उसको यही चल रहा है कि घर में फिर जाके फिर सुनना पड़ेगा, और बेइज्जती जो हुई है आसपास के एरियाज में फैल जाएगी, बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। जब ये जा रहा होता है तो वहीं पे क्या है, एक पेड़ के पास बैठ जाता है, ठीक है। जब पेड़ के पास बैठ जाता है तो वहीं पे क्या होता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वहां पे देखता है कि सब लोग गेंद वेंद से खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं,
जब गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद जो है वो कुएं में चली जाती है, वो देख रहा है सब। सारे लोग, सारे बच्चे जो है वो डरते हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो है वो कुएं में उतर के गेंद ले आता है, ठीक है। तो वो चीज वो नोट कर रहा है कि हाँ ये देखो ये सबसे साहसी बालक है इन सब में से। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वहीं बैठा है ठीक छांव में, क्योंकि धूप वगैरह है, तो देख रहा है उस बच्चे को, और ऑब्वियसली वो उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गया है कि कितना साहसी बालक है। धीरे धीरे क्या है कि वो लोग खेलने लगते हैं कि तुम ये बनोगे तुम वो। बच्चों में होता है ना, बच्चे लोग जो है मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, वो डॉक्टर बनने की एक्टिंग करने लगेगा, ठीक है। फीमेल्स जो है वो घर वाली बन जाती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। नहीं, बच्चे लोग करते रहते हैं ये सब काम, है ना, बर्तन वर्तन लगाएंगे, ये हमारा घर है। तो वो तो ऐसे चलते 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 वो हो रहा है, तो उसमें सब लोग जो है वो ये बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं सोल्जर बनूंगा, कोई बोल रहा है मैं डॉक्टर वैद्य बनूंगा, कोई कह रहा है कि मैं वीविंग करूंगा, कोई कह रहे। वो जो इंसान है जो साहसी है वो खड़ा हुआ है, वो लेके एक पतली सी डंडी थी, बोले मैं राजा बनूंगा, ठीक है। तो एक होता है ना वो बचपन में आपने कहावत सुनी होगी कि होनहार वीरवान के होत सीखने पाथ, ठीक है। जो पेड़ अच्छा होने वाला होता है उसके पत्ते जो है बचपन से ही अच्छे होते हैं, चिकने निकलते हैं, ठीक है। उससे समझ में आ जाता है कि ये पेड़ जो है वो अच्छा होगा। तो एक जजमेंटल कमेंट है, बट वहीं पे चाणक्य ने उसको जज कर लिया, ठीक। बुलाया उसको, बोले इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बोले नाम वाम क्या करोगे, ठीक है। तो वो भी तेज चल रहा है, बोले कहां से? बोले वो बोलता है कि मेरे माँ बाप है ही नहीं, ठीक है। जब वो बोलता है कि मेरे माँ बाप है ही नहीं, तो फिर चाणक्य की थोड़ी दया आती है, तो बोले कहाँ रहते हो? बोले मैं नगर में ही रहता हूँ, ठीक है। उसको बोलता है मेरे साथ चलो, बोले चलो, ठीक। लेकिन उसको ऐसे लेके नहीं जाता है वो, बोले तुम्हारा घर कहाँ है? जब जहां उसका घर होता है वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे देखता है कि एक विष कन्या होती है, ठीक है। उसका लिटरली नाम ही विष कन्या होता है, क्योंकि बहुत जहरीली होती है। उस समय चाणक्य को नहीं पता होता है, मुझे पता है इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो उससे पूछते हैं कि यहाँ ये हमारा दोस्त है, यहीं रहता है, इसके माँ बाप जो है नहीं है। वहां पे जो लोकल लोग होते हैं उनसे बोला जाता है कि मैं इसको शिक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है, ये कोई अच्छा बन जाएगा, तो क्या मैं इसको अपने साथ लेके जा सकता हूँ? ऐसे थोड़े को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने कहा ठीक है। वैसे भी बोझ ही था वो, क्योंकि भाई माँ बाप है नहीं, उसको लोग पाल रहे हैं, चाचा ताऊ जो भी है, ठीक है। तो बोले ले जाइए, कुछ बन जाएगा तो अच्छा है। उसका दोस्त होता है, वो भी उसके साथ आ जाता है कि इसको भी शिक्षा दो। और कहाँ शिक्षा मिलेगी? तक्षशिला में, क्योंकि वहीं पे वो रहते थे, ठीक। तो वहां से वो दो तीन लोगों को लेके आता है, वो जो लेडी होती है उसको भी लेके आता है, ठीक। जब वो साथ में रह रहे होते हैं, फिर उनको क्या शुरू करता है, ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना शुरू करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग चीजों में नॉलेज, जैसे अस्त्र कैसे यूज करने हैं, पॉलिटिक्स, ठीक, अपना दिमाग किस तरीके से चलाना है, कितना आपको शूट होना है, किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है, और कितने त्याग, उनसे जो है सारे काम करवाता है, उनको बॉम्ब बनाना सिखाते हैं। हाँ, कौटिल्य के पास सारी नॉलेज होती है, वो बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं उनको, अस्त्र शस्त्र विद्या दे रहे हैं। और उसके बाद फिर एक दिन क्या होता है कि फाइनली वो कुछ लोगों को जोड़ के, जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, वहां पे धनानंद पे अटैक कर देते हैं। इनके पास ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग होंगे, और ये सोचते हैं कि हम सडन अटैक करेंगे, नगर पे सडनली अटैक कर देंगे, तो फिर क्या होगा, धनानंद को मार देंगे। धनानंद को मार दिया तो ऑब्वियसली रिवेंज पूरा हो गया। ये लोग पहुंचते हैं, अब धनानंद धनानंद सो रहा, ठीक। वहां पे देखते हैं कि धनानंद, जब उसके लोग बताते हैं कि कौटिल्य आया है, तो अपने सेनापति जो होते हैं उन सबको भेज देता है, राजूकास और युक्तास जो होते हैं उनको भेज दिया। उन लोगों ने चाणक्य और ये सब ये जो भी लोग थे उनको सबको क्या कर दिया, हरा दिया, खत्म कर दिया। तो फिर जब धनानंद ये सब हो जाता है, इन लोग को कैप्चर कर लिया जाता है, तब धनानंद आता है, बोले हो गया रिवेंज तुम्हारा पूरा हो गया, बंदी बना के रखता है, बोले इनको क्या कर दो, मार दो। बट ये होता है कि नगर के ही कुछ लोग जो है इनका साथ देते हैं और इनको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। ये लोग भाग जाते हैं, जब भाग जाते हैं, ठीक है, तो वहीं पे ये लोग जो है भाग के कुटिया के पास रुकते हैं, और कुटिया में एक माँ जो अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, ठीक है। जब खाना खिला रही होती है तो वो उसका बच्चा जो है जब खाना खाता है तो जल जाता है। जब जल जाता है तो माँ कहती है तू भी एकदम चाणक्य के जैसा मूर्ख है, और चाणक्य सुन रहा होता है, ठीक है, कि तू भी चाणक्य के जैसा मूर्ख है,
बोले खाना जो है हमेशा परिधि से खाना चाहिए, परिधि मतलब कोने से, कॉर्नर से। 20 थाली में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही ना, चाणक्य का दिमाग जल गया, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जला, ठीक है चल गया दिमाग उसका, गलती कर दी मैंने, सीधा स्ट्रॉन्ग एम्पायर पे जो एपी सेंटर है उस पर अटैक कर दिया। पहले क्या करना चाहिए था, पावर गेन करनी चाहिए थी। तो भाई अपने एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है ना, वो कोई राजा तो है नहीं, ठीक। तो उसने कहा चलो पहले पावर अटेन की जाए। तो पावर अटेन करने पे दो जो इसके शिष्य होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। दोनों से पहले बोलता है कि अब क्या करना है, तुमको एक टेस्ट देना है, ठीक, और जो टेस्ट में पास होगा ये मेरा वादा है कि उसको मैं क्या बनाऊंगा, सम्राट बनाऊंगा, ठीक है। टेस्ट क्या है, बोले कि चलो बताऊंगा कुछ दिनों में। फिर चाणक्य जो है वो क्या करता है, दोनों को क्या देता है, एक एमुलेट देता है, ताबीज, बोले इसको पहन लो, ठीक है, और दोनों को पहना दिया जाता है। फिर एक दिन बुलाया जाता है, ठीक है, पहले मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। पहले ए को बुलाया गया, बोले ऐसा है कि जाओ, बी जो है वो सो रहा है, ठीक है, और बी के गले से वो एमुलेट मेरे पास ले आओ, और इस तरीके से लाना कि वो जगे ना, वो आगे लड़ाई ना करे तुमसे, पता ना चले उसको, ठीक। ए गया, उसने बड़ी कोशिश करी, कुछ भी हो किया, ठीक, लेकिन बी की नींद खुल ही जाती, तो ए फेल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, एकदम से थोड़े तुरंत थोड़े करेगा, कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद बी को बुलाया जाता है और सेम टास्क दिया जाता है, ठीक है। बोले कि ये तुम्हारी परीक्षा है और पास हुए तो क्या बनोगे, सम्राट, ठीक है। बोले कि ए को क्या करना है, बिना जगे हुए उसका ताबीज जो है मेरे पास लेके आना है, उसको पता ना चले, ठीक। बी जाता है, सोचता समझता है, उसके बाद ले आता है, ठीक है, और जो आपका चाणक्य है वो खुश होता है। बोले अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें क्या बनाना है, सम्राट, ठीक है। अब वो जो लाया होता है ताबीज, वो ताबीज तो ले ही आता है, बोले कैसे लेके आए, बोले कुछ ज्यादा नहीं, बस उसका गला काट दिया, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, ठीक। और बोले गला क्यों काटा, उसके दो रीजंस थे। पहला ये कि आपकी जो परीक्षा थी कि, और वो एक तरीके से फेवरेट पर्सन हुआ करता था अपने टीचर का, तो सबसे पहली चीज कि मुझे टेस्ट जो है उत्तीर्ण करना था, ठीक, मुझे सम्राट बनना है। दूसरा, अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर है तो उसको एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। तो यहां से शुरू होती चाणक्य की नीति, यही है चाणक्य की नीति, ठीक। तो अपने कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट कर दिया, और यही जो बालक है चल के क्या बनता है, चंद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त नहीं बनता अगर उसने ये उस दिन ये काम नहीं किया होता। तो उसने शो किया कि भाई वो कितना टफ है मेंटली, ठीक है, दो ही क्राइड आफ्टरवर्ड्स, बट उस समय उसका काम था तो उसने वो कर दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और सबसे पहला जो चीज है वो है सैक्रिफाइस। इफ यू वॉन्ट टू सिट ऑन द थ्रोन यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, क्योंकि वो जो चीज है वो लग्जरी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम आईएएस, तो आपको लगता है कि आप आईएएस बनके अपनी लग्जरी वो करेंगे, वो लग्जरी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा बनने के बाद आप एक भी समय खाली नहीं होते हैं, बिकॉज आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का सोचना है, पूरे देश का सोचना है, इतने सारे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, आपके जो स्ट्रीट ब्यूरोक्रेसी उससे डील करना है। कि अगर आपका डिमीनर इस, आपका माइंड लेवल जो है, माइंडसेट जो है इस लेवल का है तो आप बन जाओगे, और अगर आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं है, बस आप लग्जरी देख के आ गए हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसमें इनपुट कितना लगेगा, इनपुट देने के लिए आप तैयार नहीं हो। माइंडसेट, आप इंटेलिजेंस मत डेवलप करिए, आप माइंडसेट डेवलप करिए, ठीक है। माइंडसेट ही है जो विराट कोहली को रोहित शर्मा से अलग बनाता है। टैलेंट रोहित शर्मा में बहुत ज्यादा है, विराट कोहली से भी बहुत ज्यादा है, बट विराट कोहली हैज वन थिंग दैट इज माइंडसेट।
कि उसने रुकना ही नहीं है, माइंडसेट ही डेवलप है उसका इतना अच्छा कि लो लेवल पे खेलना ही नहीं है उसको, अपने को बुरा ट्रीट करना ही नहीं है, पर्सनालिटी में दिखता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका माइंडसेट बहुत हाई है, चंद्रगुप्त मौर्य माइंडसेट बहुत हाई है और उसको डेवलप किया गया है विद टाइम कि चीपनेस तो है ही नहीं, संघर्ष करना बोले करेंगे, सैक्रिफाइस करना बोले करेंगे, लड़ाई करना बोले करेंगे, ना तो कभी बोला ही नहीं उसने, इसलिए हम उसको पहला सम्राट की तरह जानते हैं। एक मामूली सा बालक था जिसको ये भी नहीं पता वो उसके पेरेंट्स कौन है, नहीं तो ये भी एक्सक्यूजेस वगैरह दे के तो बैठ जाता। ठीक, तो यहां से इनकी कहानी जो है शुरू होती है, चंद्रगुप्त प्लस चाणक्य मिल जाते हैं और धीरे धीरे पहले इन्होंने पंजाब जीता, पंजाब जीतने के बाद इन्होंने जो वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है उसको जीता, आर्मी अटेन करी एंड फाइनली जो है आप देखेंगे 321 आते आते डिफीट कर दिया जाता है किसको, धनानंद को। ठीक, तो यहां से धनानंद की कहानी खत्म हो जाएगी, बट धनानंद की कहानी खत्म होने से पहले धनानंद में एक इंसान था जिसको कोई नहीं भगा पाया लेकिन इसने भगा दिया था, अलेक्जेंडर। ठीक है, अ पर्सन हु हैज टर्न इनटू अ गॉड फॉर ग्रीक पीपल। ठीक है, अब अलेक्जेंडर की जो कहानी है बेसिकली मैसेडोनिया से बिलोंग करता था वो, ठीक है, एंड इसके फादर का नाम हुआ करता था फिलिप, ही वॉज द किंग ऑफ मैसेडोनिया। ठीक है, लेकिन और अलेक्जेंडर की कहानी अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छा वो नहीं है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ही हैज रिलेशन विद अ बॉय। ठीक है, एक लड़के के साथ उसके संबंध थे। ठीक, तो ये चलता रहता है। ठीक है, अब इसकी मादर जो थी वो इससे बहुत ज्यादा परेशान थी कि ये क्या करता रहता है। ठीक है, और उसके फादर, उस कोई भी फादर ऐसे इंसान को लाइक करेगा, स्पेशली इन एंशियंट टाइम कोई नहीं पसंद करेगा, तो उसके फादर उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक, तो उसकी मदर, क्योंकि माँ जो माँ होती है, अगर माँ किसी को धोखा दे रही है, ठीक, या तो वो अपने लिए दे रही है क्योंकि उसका बेनिफिट है, या तो अपने बच्चे के लिए, दो ही केसेस हैं जहां वो किसी को चीट कर सकती है। ठीक है, तो अपने बच्चे के लिए उसने क्या किया, अपने ही पति को मरवा दिया जो किंग फिलिप था, क्योंकि वो भी तो राजा है, उसके भी कुछ अच्छे काम थोड़े रहे होंगे। ठीक, वो किसी और को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक, किसी दूसरी रानी का जो बेटा है उसको बोल रहा है कि ये राजा बनेगा, अगर वो राजा बन गया तो ये लोग स्लेव हो जाएंगे ना। ठीक, तो उसने मदर ने ही किंग फिलिप को क्या है बता दिया, और उसको अलेक्जेंडर को बोला कुछ करो, और अलेक्जेंडर जो था इसको दो ही चीजें आती थी, या तो लड़ाई करनी है या तो इसको क्या करना है, घूमना फिरना है। ठीक, बचपन से इसके अंदर ये आदत थी कि अलग अलग जगह पे घूमना है, ठीक है, और या फिर लड़ाई करनी, दो काम करवा लो, इसके और कोई काम नहीं आता उसको। ठीक है, तो इसकी माँ ने उसको बोला कि भाई अगर तुम्हें लड़ना ही है तो कुछ ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, कि लोग जो है तो वो तुम्हें राजा मान ले। तो राजा मान ले तो उसने कहा कि सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा है, बोले पर्शिया। तो बोले मैं इसको जीतूंगा और पूरा वर्ल्ड भी जीतूंगा। बोले और क्या चाहिए बताओ आपको। बोले अगर ये कर लिया, पर्शिया ही इवन जीत लिया तुमने, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज नो वन इज एबल टू डिफीट पर्शिया। पर्शिया वॉज अ ग्रेट एम्पायर, इसी को हम लोग एकेमेनियन एम्पायर कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न एम्पायर एंड एकेमेनियन एम्पायर दे वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। ठीक है, और वहां से हमने कई सारे मोटिवेशन भी लिए हैं। तो पर्शिया में आप देखेंगे देर वर किंग्स लाइक दारियस। ठीक, अब दारियस रिंग किया होगा, कल हमने पढ़ा था कि दारियस ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कैप्चर कर लिया था। अगर पर्शिया कैप्चर कर लिया जाए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी किसका हो जाएगा, जिसने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, दारियस के बाद यू विल फाइंड अ पर्सन नेम ज़र्सस। ठीक, ये पर्शियन किंग्स हैं, और ज़र्सस के बाद आपको मिलेगा दारियस सेकेंड। ठीक, एंड एट द टाइम ऑफ दारियस सेकेंड अलेक्जेंडर हैज अटैक्ड ओवर पर्शिया, और जब अटैक किया उसने तो दारियस को हराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, ऐसा नहीं कि तुरंत आ गया था पर्शिया, पहले उसने पूरा ग्रीस जीता, ग्रीस के जितने छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे उनको जीता, उसके बाद वो पर्शिया पे आए। और पर्शिया आप मिडल ईस्ट पूरा देख रहे हैं, पूरा मिडल ईस्ट ले लीजिए टिल दी पेशावर और लाहौर ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा एरिया किसका हुआ करता था, पर्शियन एम्पायर हुआ करता था। ठीक, तो बहुत साल लगते हैं इसको जीतने में, ठीक, लगभग 8 से 9 साल वो है वो इस पे बिता देता है किसको जीतने में, पर्शिया को जीतने में। एंड फाइनली ही वॉज नॉट एबल टू किल द किंग दारियस सेकंड, क्यों, क्योंकि इसको इसी के लोग मार देते हैं।
क्योंकि वीक पड़ जाता है, ठीक। और अलेक्जेंडर को वहां के लोग, पर्शियन लोग और इजिप्शियन लोग क्या बना देते हैं, गॉड, ठीक, भगवान, ठीक। कभी भी आप देखो जा फरोवा, ठीक है, एक तरीके से एक इजिप्शियन में एक पोजीशन होती जो इट इज इक्विवेलेंट टू गॉड ओनली, ठीक, तो उसको भगवान माना, लेकिन ये रुका नहीं। क्यों? क्योंकि जब दारियस ने अटैक किया था तब क्या हुआ था, हमारे यहाँ से ट्रेड फैसिलिटेट होना शुरू हुआ, और जब ट्रेड फैसिलिटेट होता है तो ये पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, बोले कहाँ से, आपका इंडस प्लेन से आ रहा है, सप्त सैंधव रीजन से आ रहा है। कौन सा साम्राज्य से आ रहा है, बोले पुरु साम्राज्य से आ रहा है। कौन सा साम्राज्य से, बोले मगधन एम्पायर से आ रहा है। तो बोले ये स्ट्रॉन्ग, बोले हाँ, बोले चलो वहीं चलते, लेट अस कनकर इंडिया, ठीक। तो इंडिया को जब कनकर करने के लिए आता है तो ही वॉज चैलेंज्ड बाय वन पर्सन नेम्ड पुरु, ठीक। और पुरु जो है वो आपके कश्मीर वाला जो रीजन है, कश्मीर पंजाब वाले रीजन में, यहाँ पे ये किंग हुआ करते थे, ठीक। एंड ही हैज चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ अलेक्जेंडर। अब ये जो वॉर है, अभी कुछ सालों से ये डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि अब नए नए लोग पैदा हो गए हैं जो नया नया ज्ञान लेके आए हैं, वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर नहीं, पोरस पुरु जो है वो जीता था, पुरु हैज डिफीटेड अलेक्जेंडर, इसलिए अलेक्जेंडर जो है यहां से भाग गया था, ठीक है। बट मेजॉरिटी जो हिस्ट्री है जो लिखी गई है, क्योंकि जब कुछ लिखा जाएगा हम उसी पे मानेंगे, स्कॉलर्स लाइक स्टार्बो, स्कॉलर्स लाइक प्लाइनी, ठीक, स्कॉलर्स लाइक अरियर, दे हैव रिटन कि भाई अलेक्जेंडर जीता था और जीतने के बाद उसने इस पूरे एरिया को क्या कर दिया था, ही हैज डिवाइडेड द होल एरिया अमंग हिज गवर्नर्स, ठीक। और ये सच है, सच इसलिए है, क्यों, क्योंकि यहाँ के ग्रीक गवर्नर्स पाए जाते हैं, ठीक। अभी थोड़ी देर बाद जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड सेल्यूकस निकेटर, एंड सेल्यूकस निकेटर वॉज द गवर्नर ऑफ द अलेक्जेंडर, और अगर अलेक्जेंडर जीता होता तो यहाँ ग्रीक गवर्नर्स नहीं बैठे होते, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक। तो और यहां से सिस्टम शुरू होता है एक नया, ठीक है, और नया जो सिस्टम होता है वो है सेट्रापी सिस्टम, ठीक। सेट्रापी सिस्टम कुछ नहीं है, ये ग्रीक सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नरशिप या अमात्य सिस्टम चलता है, वैसे ही ग्रीस में क्षत्रप्स होते थे, दे वर एक्टिंग एज अ गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जिसको हम सेल्यूकस निकेटर को हम गवर्नर कह रहे हैं, ही वॉज अ सेटअप ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।